दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ व्यक्ति का डाइजेशन कमजोर होने लगता है। आमतौर पर 30 की उम्र पार करने के बाद बॉडी आसानी से डाइट में शामिल कैल्शियम को पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। ऐसे में शरीर में कैल्शियम की कमी होने का खतरा एक आम बात है। इसके अलावा ज्यादा मीठा खाने या अनहेल्दी डाइट होने के कारण भी शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। वही महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान बेबी की बोन डेवलपमेंट प्रोसेस के समय महिला के शरीर में कैल्शियम का लेवल कम होने लगता है। इसके साथ ही बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं में भी शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। अगर आप सोचते हैं कि आप जवान हैं और आपकी हड्डी अभी कमजोर नहीं हो सकती, तो आप बिल्कुल गलत हैं। जाने माने हड्डी के सर्जन का कहना है कि आजकल लोगों को कम ही उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस, एक हड्डी का विकार होता है, उसके होने का खतरा पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ गया है। अगर आप अपने भोजन में कैल्शियम युक्त भोजन नहीं लेते हो तो आपके घुटने कुछ ही दिनों में कमजोर हो जाएंगे। दोस्तों, जैसे ही हम 40 की उम्र के पार जाते हैं, पीठ में दर्द, जोड़ों का दर्द, हड्डियों में दर्द, दांत कमजोर होना, चलना फिरना मुश्किल हो जाना, बाल सफेद होना या बालों का कम होना, शारीरिक दुर्बलता, कोई भी काम करते हुए जल्दी थक जाना, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसका सीधा कारण है कि शरीर में कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी की वजह से सारी प्रॉब्लम होने लगती है। अगर घुटना किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गया हो तो उसे ठीक करना बहुत मुश्किल है। इसलिए अच्छा है कि आप अपने भोजन में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करें जो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी करें। आइए इससे बचने के लिए कुछ आसान से घरेलू उपाय हम आपको बताते हैं, जो सिर्फ 2 रुपए के खर्च पर भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप अदरक की चाय पीजिए। 1.5 कप पानी में 1 इंच अदरक का टुकड़ा पीसकर डाल दें और उसे उबालें। जब पानी 1 कप रह जाए तो उसे चाय की तरह पी लें। इसका सेवन आप दिन में 1 या 2 बार कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर करना। जीरे का पानी पीजिए। रात भर 2 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा भिगो कर रखें। सुबह उस पानी को उबालें, जब पानी आधा रह जाए तो उसे छान कर पी लें। रोजाना 2 चम्मच भुने हुए तिल का सेवन करें। स्वाद बदलने के लिए तिल की चिक्की और लड्डू भी खा सकते हैं। तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, खासकर सफेद तिल में। हफ्ते में कम से कम 2 बार रागी से बनी इडली, दलिया या फिर चीला खाएं। इससे पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। रागी आपको किसी भी किराने की दुकान में या फिर ऑनलाइन मिल जाएगा। इसे फिंगर मिलेट और मड़ुआ के नाम से भी जानते हैं और महाराष्ट्र में इसे नाचनी के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही आप अंजीर और बादाम भी खा सकते हो। रात भर पानी में 4 बादाम और 2 अंजीर भिगो कर रखें। सुबह इन्हें चबा चबा कर खा लें। इससे बहुत जल्दी कैल्शियम की कमी पूरी होगी। नाश्ते में या फिर शाम के समय हल्की भूख में 1 बाउल स्प्राउट्स खाएं। रोजाना शाम को 1 गिलास नींबू पानी पिएं। दिन भर में कोई एक खट्टा फल खाने से भी फायदा मिल सकता है। सप्ताह में 1 बार सोयाबीन की सब्जी खाएं या खाने में सोयाबीन की मात्रा बढ़ाएं। रोजाना सुबह 8 बजे से पहले करीब 10 मिनट धूप में बिताएं। दोस्तों, बादाम खाएं। बादाम खाने से जोड़ों का आउटर मेम्ब्रेन खराब होने से बचा रहता है। इसमें विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि सूजन और दर्द से बचाता है। पपीता खाइए। पपीता में ढेर सारा विटामिन सी होता है। रिसर्च में पाया गया है कि जिन लोगों के अंदर विटामिन सी की कमी होती है, उनमें जोड़ों का दर्द आम बात है। सेब खाइए। सेब खाने से आप जोड़ों के दर्द तथा उसकी क्षतिग्रस्त से बच सकते हैं। सेब जोड़ों में कोलाजन बनाने में मदद करता है, जो कि घुटनों को झटके लगने से बचाता है, जिससे घुटने खराब नहीं होते हैं। ब्रोकली खाइए। यह शरीर से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालती है, जिसकी वजह से जोड़ क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं। इसमें काफी मात्रा में कैल्शियम होता है, जिससे जोड़ों में मजबूती आती है। काली बीन्स खाइए। हफ्ते में 1 बार काली बीन्स की सब्जी खाइए। यह मैग्नीज और अन्य तत्वों से भरा होता है, जो जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें एंथोकाइनिंस होता है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह शरीर से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालता है और जोड़ों को खराब होने से रोकता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल खाइए। इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो कि जोड़ों के दर्द को दूर करता है। इसी की तरह आप अखरोट का तेल भी प्रयोग कर सकते हो, या फिर अलसी का तेल भी एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। अलसी खाइए। अलसी में ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप रोजाना अलसी को भूनकर लगभग 15 से 20 ग्राम तक सेवन कर सकते हो। आप खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 चम्मच अलसी खा लीजिए और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। ग्रीन टी पीजिए। दिन भर में 1-2 कप ग्रीन टी जरूर पीजिए। यह जोड़ों के कार्टिलेज को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिससे फ्री रेडिकल्स हड्डियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। रोजाना 1 या 2 कप ग्रीन टी आपके जोड़ों के दर्द से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाना।